क्यों आया हूँ सोचिए, एक साल का 1,20,000 रुपए मैं देता हूँ, एक साल का 10,000 पर मंथ हिसाब से। सोचिए कोचिंग को अलग 2 लाख रुपए मैंने दे रखा है, 2 लाख रुपए फीस है यहाँ, 2 लाख 1 लाख के करीब होता है। तो कहाँ, दो कट्टे जमीन मैंने बेची है गांव में, तब ट्यूशन में एडमिशन ले पाया हूँ। अब मेरे पापा ने 3 कट्टे और जमा कर रखे हैं मेरी पढ़ाई के लिए। क्यों ऐ त्योहार यूँ प्यार से बुलाया ना कर, बिन नौकरी यूँ गांव जाना अच्छा नहीं लगता। सोचे किस क्या मुँह लेकर के गाँव जाए, गाँव वाले भी बोलेंगे साला 2 साल तैयारी करने गया और ऐसे बिना नौकरी, हम लोग पकौड़े तले के मस्त खुश रहेंगे, क्या बात है। ये पैसे क्यों बर्बाद कर रहे इधर, क्योंकि अगर सारे फैमिली की नजर मेरे पे ऊपर है कि हाँ मेरे बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे, कोई अच्छी सी नौकरी लेंगे और हम लोगों का जो है घर वालों को संभालेंगे। अब सोचिए घर वाले जो है उनको हम बताते हैं कि हमारे एग्जाम ही नहीं हो रहा था, हम क्या करें मम्मी पापा, तो निराश हो जाते, वो कहते बेटा आ जाओ किसानी करो, तुम भी मेरे साथ आ गए। बताइए इतना पढ़ने का क्या फायदा, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन मेरा हो गया है, मास्टर्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये हो क्या रहा है, क्यों कर रहा हूँ मैं मास्टर, इसीलिए कर रहा हूँ पकौड़े तलने के, गाँव में जाकर किसानी करने के लिए। मैं